हाय फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो रिकमेंड आया है वो दिल्ली मेट्रो से आया है, और दिल्ली मेट्रो रिकमेंड जो है वो टोटली जो यहाँ पे जॉब है वो सुपरवाइजर का पोस्ट है, और सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, आप एलिजिबल हो तो पूरा डिटेल्स मैं इसमें डिस्कस करूँगा, और एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीड्यूर भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जो रिकमेंड आया है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको जो जॉब मिलेगा वो दिल्ली में ही मिलेगा। टोटल 4 वैकेंसीज है, वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए, सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है, सेक्शन इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है, और जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर आपको परमानेंट और जॉब मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपका एज लिमिट होना चाहिए 58 से 68 तक। तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा टोटली इंटरव्यू होगा, और आपका एक्सपीरियंस हो सॉरी आपका इंटरव्यू होगा पहले, और आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा, उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड आपका चेक किया जाएगा। और सैलरी पैकेज देखिए, 1,50,000 सैलरी पैकेज जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए मिलेगा, और आदर्श पोस्ट के लिए 47,000 से 55,000 तक। एडुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, बीए बीटेक डिग्री कोर्स सब क्वालिफाइड होता है, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि ये ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। अप्लाइन का प्रोसेस देखिए यहाँ पे, तो एप्लीकेशन का 15 मार्च क्लोज हो जाएगा, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस में आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भेज दीजिए। तो आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे नोटिफिकेशन 1, 2, 3 में दिया हुआ है, तो आप एक एक जाकर चेकआउट कर लीजिए। जिस यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिलेगा और कौन सा पोस्ट के लिए है वो भी मिलेगा। जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको नीचे आपका पूरा फॉर्म मिल जाएगा, तो उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है। ठीक है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दिया गया है। और नोटिफिकेशन 2 में जाएंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पोस्ट है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का है, तो इस पोस्ट पे है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप फॉर्म नीचे दिया गया है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और 3 नंबर जो पोस्ट है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाकर आप लास्ट नंबर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मैं यही कहूँगा, पूरा ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लिए, उसके बाद अप्लाई करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करके बताते हैं आप लोग कि जॉब का लोकेशन क्या होगा, आपका एग्ज़ाम क्या होगा, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको इस एड्रेस में, ईमेल एड्रेस में भेजना होगा। तो आई होप जॉब का पूरा एड्रेस आपको समझ में आएगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, मतलब टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और आप चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब में। धन्यवाद।